everyone. I'm on this side, your yoga and fitness trainer. Hope you all are doing great. आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे कुछ क्वेश्चंस के साथ में और उन्हीं क्वेश्चंस का आंसर आपको इस वीडियो में मिलेगा. सो इस वीडियो को लास्ट तक देखना. सो चलो अभी हम आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. मान लो कोई इंसान आपको हार्म करने की अटेंशन से आपके ऊपर अटैक कर रहा है, फिजिकली हार्म करने की कोशिश कर रहा है या फिर एक्सट्रीम या फिर रेप करने की कोशिश कर रहा है, उस टाइम पे आप कौन कौन से एक्शन ले सकते हो खुद को बचाने के लिए, किस हद तक आप खुद को बचाने के लिए एक्ट कर सकते हो उस सिचुएशन में. सेकंड क्वेश्चन, मान लो आपके साथ कुछ गलत नहीं हो रहा है लेकिन आपके किसी फ्रेंड के साथ में या आपके किसी फैमिली मेम्बर के साथ में गलत हो रहा है और उसको रोकने के लिए आप किस हद तक एक्ट कर सकते हो कि आपके ऊपर कोई भी लीगल एक्शन ना हो. सेकंड क्वेश्चन इज दिस. थर्ड वन, मान लो आप रोड में जा रहे हो और आपके सामने किसी स्ट्रेंजर के साथ गलत हो रहा है, कोई किडनैपिंग करने की कोशिश कर रहा है, कोई रेप करने की कोशिश कर रहा है या फिर कोई छेड़खानी करने की कोशिश कर रहा है किसी औरत के साथ में, किसी लड़की के साथ में, तो उस टाइम पे आप कैसे एक्ट कर सकते हो, किस हद तक एक्ट कर सकते हो. और ऐसा तो नहीं है कि अगर आप उसे बचाने जा रहे हो तो सामने वाला आपके ऊपर ही अटैक कर रहा है, तो आप सेल्फ डिफेंस में खुद को बचाने के लिए किस हद तक अटैक कर सकते हो. ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको आज इस वीडियो में मिलेंगे. हमारे संविधान में आर्टिकल 96-106 में राइट टू प्राइवेट डिफेंस को डिफाइन किया गया है, जिसके अंदर ये एक्सप्लेन किया गया है कि एज अ इंडियन सिटीजन अगर आप किसी ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पे कोई आपको फिजिकली हार्म करने की कोशिश कर रहा है, आपके फैमिली मेम्बर्स को हार्म करने की कोशिश कर रहा है, आपको प्रॉपर्टी को हार्म करने की कोशिश कर रहा है, तो उस टाइम पे आप डिफेंस में किस हद तक एक्शन ले सकते हो और वो किस अगर उस दायरे में, कानून के उस दायरे में आप एक्ट करते हो तो आपके ऊपर कोई भी लीगल एक्शन नहीं होएगा. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हम सबको हक देता है. सेल्फ डिफेंस ज़रूर बोलते हैं लेकिन आप सेल्फ डिफेंस का यूज़ अपने लिए ही नहीं बल्कि उस इंसान की डिफेंस पे भी कर सकते हो जिसको आप जानते तक नहीं हो. जी हाँ, हमारा कानून हमें ये हक दे रहा है, ये हमें राइट्स मिले हैं कि अगर आपके सामने किसी भी इंसान के साथ गलत हो रहा है तो आप उस इंसान को रोक सकते हो, उसके खिलाफ एक्ट कर सकते हो. अगर फिर भी वो इंसान नहीं रुकता है या नहीं मानता है और आपसे ही फाइट कर रहा है, तो एक्सट्रीम केस में मान लो अगर आपसे उस इंसान की मर्डर भी हो जाता है तो भी आपके खिलाफ कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया जाएगा, आपको क्रिमिनल नहीं माना जाएगा. ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है. इसी को रिलेट करूंगी मैं अभी उस इंसिडेंट से जो कुछ दिन पहले दिल्ली में हुआ है, जहाँ पे एक इंसान शरेआम अपनी वाइफ को चाकू से मार देता है. दिन दहाड़े वहाँ पर इतने सारे लोग होते हैं, इतनी सारी भीड़ होती है, लेकिन कोई भी उस इंसान को रोकता नहीं है, रोकने की कोशिश तक नहीं करता है. और वो घटना इतनी ज़्यादा शर्मनाक थी हम सबके लिए. हम लोग यहाँ पे कोशिश करें कि हम अवेयरनेस क्रिएट कर सकें, हम सेल्फ डिफेंस को ज़्यादा प्रमोट कर सकें, लेकिन क्या फ़ायदा अगर इन लोगों के अंदर इंसानियत ही नहीं है. हम बात करते हैं उन लोगों की जो रेप करते हैं या फिर जो घिनौनी हरकतें करते हैं, लेकिन क्या उन लोगों को प्रमोट ऐसे लोग नहीं करते हैं. ऐसे लोग अगर कोशिश भी करें, हम हमेशा बोलते हैं कि सिर्फ लड़कियों को सेल्फ डिफेंस सिखाने से कुछ नहीं होगा. अगर बुरे लोग हैं तो अच्छे लोगों को सामने आना चाहिए. बुरे लोग अपनी जगह है लेकिन अगर अच्छे लोग ही अपनी एक्ट नहीं करेंगे तो उससे उन लोगों को ज़्यादा शेम मिलती है. तो यहाँ पे इस केस में अगर हम देखा जाए सीरियसली सोचे कि अगर कोई एक इंसान भी उस इंसान को रोक लेता तो आज एक निर्दोष की जान बचाई जा सकती थी. उस लड़की को जिसको शरेआम बीच सड़क में मार दिया गया, अगर कोई एक इंसान उस इंसान के सर पे पत्थर भी मार देता और कुछ नहीं करना था, मान लो उसके हाथ में चाकू को डरा रहा था चाकू से, तो आप कुछ भी उठा के उसके सर पे मार दो, उसके हाथ पे मार दो, उसको हाथ तोड़ दो, आपके खिलाफ कोई एक्ट नहीं होता. लेकिन किसी ने करना जरूरी नहीं समझा, लोग ऐसे चले गए जैसे कि ये बहुत ही नॉर्मल है. हमारे देश में हर दिन लड़कियों के साथ गलत होता है, कभी कोई दहेज के नाम पे मार देता है, कभी कोई
कभी कोई अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए कोई गलत हरकत कर देता है, कभी रेप, तो ये सब चीजें कहाँ रिलेट करती है? सोशल अवेयरनेस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फेमिनिज्म, इन सबको इतनी बढ़ा चढ़ा के बोला जाता है, लेकिन जहाँ पे जरूरत है वहाँ पे तो कोई होता नहीं है ना सामने। और दिल्ली जैसी सिटी में जो कैपिटल है, हमारे देश का कैपिटल है, अगर वहाँ पे ऐसी घटनाएं आ रही है तो फिर हम बाकी जगह क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? सो प्लीज, यहाँ पे हमारा काम सिर्फ बोलना या फिर बोल के चुप हो जाना नहीं है। हम चाहते हैं कि अगर जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, एटलीस्ट आप लोग सामने, अगर हम, मान लो मैं चाहती हूँ उस टाइम पे मैं सामने होती, मैं किसी की बात नहीं कर रही हूँ, अगर मैं वहाँ पे होती तो मैं क्या करती? मैं चाहती हूँ कि मेरा फेस ना आए सामने, तो मैं क्या करती? वहाँ पे इतनी सारी चीज़ें थी जो मैंने नोटिस की थी, वहाँ पे ईंट पड़ी थी, वहाँ पे बहुत सारे रोलर्स पड़े थे, मैं होती वो उसके सर पे मार देती, उसके हाथ पे मार देती। कोई इंसान इतना स्ट्रोंग नहीं होता कि 4-5 इंसानों से लड़ सके, इंसान हिट भी कर देता तो भी सामने वाले की हिम्मत टूट जाती है। लेकिन ये हमारी सोसाइटी है जो ऐसे लोगों को प्रमोट करती है। सोशल मीडिया में इस चीज़ को इतना ज़्यादा स्प्रेड किया गया है, जो कि अच्छी बात है, ताकि सबको पता लगना चाहिए कि रियलिटी क्या है, हम कौन सी सोसाइटी में जी रहे हैं। हमारे पास राइट है कि अगर आपके सामने किसी के भी साथ में गलत हो रहा है, कोई रेप करने की कोशिश कर रहा है, कोई किडनैप करने की कोशिश कर रहा है, कोई बेटा अपने पेरेंट्स के साथ में गलत करने की कोशिश कर रहा है, कोई हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ में गलत करने की कोशिश कर रहा है, आप उस इंसान को नहीं जानते हो, स्टिल आप उस इंसान को बचा सकते हो, आप उस इंसान के लिए एक्ट कर सकते हो, उसके लिए स्टैंड ले सकते हो। हमारा कानून हम सबको ये हक देता है, तो हमें हमारे हकों का पता होना चाहिए। और अब हम बात करेंगे कि सेल्फ डिफेंस किस केस में वैलिड होता है। जब हम बात करते हैं सेल्फ डिफेंस की, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि ऐसी कौन सी सिचुएशन है जहाँ पे आप एक्ट कर सकते हो। अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए या फिर किसी से बदला लेने के लिए आप सेल्फ डिफेंस का नाम लेके कोई क्राइम नहीं कर सकते हो। तो अभी हम बात करते हैं कि सेल्फ डिफेंस के लिए जब आप एक्ट करते हो तो ऐसी कौन सी सिचुएशन है जहाँ पे आप एक्ट कर सकते हो, और ऐसे कौन सी सिचुएशन है जहाँ पे आप लेट गो कर सकते हो। लाइक अगर आप एक्ट नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि डिफेंस मतलब उस टाइम पे जहाँ पे आपकी जान को खतरा है, एक्सट्रीम सिचुएशन है, वहाँ पे एक्ट करना है, अपनी ईगो को सेटिस्फाई करना है, या फिर किसी से बदला लेने के लिए एक्ट करने को हम सेल्फ डिफेंस नहीं बोलते हैं। इसको रिलेट करूँगी मैं हितेशा केस से। आई थिंक सब लोगों को पता होगा हितेशा केस के बारे में, जहाँ पे एक लड़की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आके लोगों को ये बताती है कि एक डिलीवरी बॉय ने मेरे को हिट किया और मेरे को हर्ट करके वो भाग गया। और मतलब ये चीज़ देखने वाली थी कि किसी ने ये जानने की कोशिश ही नहीं की इसकी सच्चाई क्या थी, जस्ट बिकॉज कोई रोक के अपनी बात को अपने तरीके से बता के चला गया, सबने ही डिसाइड कर लिया कि वो डिलीवरी बॉय ही गलत था। रियलिटी सामने आई तो ये पता लगा कि वो लड़की ही गलत थी। उस लड़की ने उस डिलीवरी बॉय को टॉर्चर किया था, और वो अपने आप से ही हर्ट हुई थी उस टाइम पे, जब उसको ही उस डिलीवरी बॉय के साथ मिसबिहेव कर रही थी, तो उस टाइम पे उसके अपने हाथ से ही उसको चोट लगी थी, और उसने बदला लेने के लिए उसने एक फेक केस बना दिया जो कि बहुत गलत था। और अगर आप ऐसा करते हो तो आपके अगेंस्ट भी एक्शन होता है, जस्ट बिकॉज यू आर फीमेल, तो आप कुछ भी एक्ट करके खुद को इनोसेंट प्रूव करके कि सामने वाले को कल्प्रिट नहीं बना सकते हो। ये बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ को डिफाइन करना है कि आप सेल्फ डिफेंस के राइट्स का यूज़ कब कर सकते हो, और किस केस में आप फेक, क्योंकि अगर आप कोई बात लेके सामने आते हो तो ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेशन होगी। अगर आप सही हो तो आपके लिए काम किया जाएगा, लेकिन अगर आप ही गलत निकलते हो तो आपके अगेंस्ट भी एक्शन हो सकता है। ऐसा नहीं कि हमेशा ही लड़कियां गलत होती है, और ऐसा नहीं है कि हमेशा ही लड़के गलत होते हैं, ये सोच की बात है। मेरे से पूछा है तो उसका आंसर दूंगी कि मान लो कोई इंसान कमेंट पास करके जा रहा है,
वो सिर्फ कमेंट पास किया और निकल गया, उस टाइम पे क्या आपको एक्ट करना चाहिए? आप लोग तो इसका आंसर मैं आप लोगों से पूछूंगी, प्लीज़ कमेंट में बताइए आप लोगों की क्या राय है कि अगर एक लड़की आपसे पूछती है कि कोई इंसान मेरे ऊपर कमेंट पास करके चला गया तो उस टाइम पे मेरे को क्या एक्ट करना चाहिए? क्या मेरे को उस इंसान को जाके थप्पड़ मारना चाहिए या फिर उस इंसान से जाके लड़ाई करनी चाहिए कि तेरी हिम्मत कैसे हुई? क्या करना चाहिए? मेरे अकॉर्डिंग हर बार एक्ट करना ज़रूरी नहीं होता है। डिफेंस अगर सामने वाला बोल के जा रहा है तो आप इग्नोर कर सकते हो, लेकिन अगर सामने वाला लिमिट क्रॉस कर रहा है, अनवांटेड टच करने की कोशिश कर रहा है या फिर छेड़खानी करने की कोशिश कर रहा है, उस टाइम पे आपको इग्नोर नहीं करना है, उस टाइम पे आप एक्ट कर सकते हो। लेकिन जस्ट बिकॉज कोई कुछ बोल के जा रहा है तो एक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और मुझे ये जान के बहुत अजीब लगा कि उस लड़की ने खुद बताया था कि हमारे स्कूल में एक सेल्फ डिफेंस सेमिनार हुआ था, मतलब वहाँ पे उस लेडी ने बताया था कि अगर कोई इंसान ऐसा कर रहा है तो उसको पलट के थप्पड़ मार दो। प्लीज़ ऐसे मिसगाइड मत करो बच्चों को, क्योंकि आपको पता है कि डिफेंस की सिचुएशन में हम एक चीज़ सिखाते हैं कि आपको सामने वाले को ऐसे हिट करना है कि आप उस सिचुएशन से बाहर निकल सको। ऐसा ही कहा जाता है कि डिफेंस मतलब डिफेंस, अटैक और डिफेंस में ये फाइट और डिफेंस में एक मेजर डिफरेंस मैं आपको बता देती हूँ। फाइट ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए की जाती है और डिफेंस सेल्फ डिफेंस में किया जाता है, लाइक अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए जो हम एक्ट करते हैं वो होता है सेल्फ डिफेंस। उसमें हम सिर्फ इतना हिट करते हैं कि हम उस सिचुएशन से बाहर भाग सकें, और जो फाइट बैक होता है उस फाइट करने का मतलब कि अगर आप सामने वाले को हिट करोगे, सामने वाले से फाइट करो तो सामने वाला भी आप पे अटैक करेगा। और उस सिचुएशन में अगर ऐसी सिचुएशन में आप जाते हो तो बहुत कम चांसेस है कि वहाँ से आप सेफली बाहर आ पाओ। सो प्लीज़ हम सिर्फ ये सिखाते हैं कि सेल्फ डिफेंस में एक्ट करो, सीखो कि आप कौन से एक्ट को कितने अच्छे तरीके से कर सकते हो अगर आप बाई चांस आप ऐसी सिचुएशन में हो रहे हो या फिर आपके सामने आपके किसी फ्रेंड के साथ ऐसा हो रहा है तो आप उसको बचाने के लिए ऐसे एक्शन सीखो, ऐसा एक्ट सीखो या कुछ भी सीखो जिससे आप प्रोटेक्शन कर सको। लेकिन फाइट बैक कभी भी ऑप्शन आपके लिए नहीं है। तो उसका आंसर ये है कि अगर आपके ऊपर अगर कोई कमेंट पास करके जा रहा है तो जाने दो, लेकिन अगर कोई अपनी लिमिट क्रॉस कर रहा है तो उस टाइम पे इतना एक्ट करो कि सामने वाले को कि आप ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। फर्स्ट थिंग कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा गया है कि आपको फर्स्ट कोशिश करनी है कि अगर आपके पास टाइम है और आपके पास अगर आपके पास ऐसा मौका मिल रहा है कि आप पुलिस की हेल्प ले सकते हो तो सबसे पहले पुलिस की हेल्प लो। और ये सबके लिए है, अगर कोई लड़की किसी लड़के को तंग कर रही है या फिर लड़का लड़के को तंग कर रहा है तो फर्स्ट चीज़ आपको यही करनी चाहिए, खुद कानून हाथ में लेने के बजाय पुलिस हेल्प। आई होप सेल्फ डिफेंस के रिगार्डिंग जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं उन सबको हमने इस वीडियो में कवर कर लिया है। और स्टिल अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है जिसका आंसर मैं दे सकती हूँ सो फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो डू सब्सक्राइब माय चैनल नाउ एंड प्रेस दैट बेल आइकन सो दैट यू विल गेट नोटिफिकेशन फॉर अपकमिंग वीडियोस। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आपको लग रहा है कि ये नॉलेज सबके साथ में शेयर करना जरूरी है तो डू शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन डू। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे सेफ स्टे अलर्ट, बाय बाय।